छात्राओं ऑनलाइन व्यवस्था में आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करेंगे। पिछले दिन हम आपको संधि की परिभाषा, संधि के भाग में स्वर संधि के प्रथम भाग द्वितीय भाग का प्रकार जाने, आज हम आपको वृद्ध संधि का नियम है कि जब आया आपके पास, जब आया आपके पास ये आए अथवा बोला आओ के आओ आते हैं तो लोगों के अंदर रहता है कि आओ आओ हो जाते हैं। तब उसकी संधि होती है। उदाहरण तौर पर देखें, आया आपके पास के आए बराबर आए हो जाता है। जैसे सदा बराबर सदैव, अब सदा में आ है, देव में एक है, इन दोनों को मिला देने के बाद है हो जाता है। फिर अगर कर सकते आप न धन एवं नैव, न भी आ है एवं ए है बराबर है हो गया। अगला देखें, मा धन एवं नैव बराबर नैव, तो मा में आ है एवं में ए है बराबर है हो गया। लता में आ है एक साल के लिए बराबर है हो गया। अगला देखो, देव धन ऐश्वर्य देव ऐश्वर्य, देव में आ है ऐश्वर्य में आय है तो मिला देंगे आय हो जाता है। मत में है एकदम लता एकदम, मत में आ है ऐश्वर्य में आय है बराबर मिला देंगे आय हो जाएगा। अगला देखिए, धन धन ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, धन में आ है तीसरा में ए है दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा आय। तीन धन एव है, तीन में आ है एव में ए है दोनों मिलाने के बाद आय हो जाएगा। अगला उदाहरण नंबर दो, आ या आ के बाद ओ या औ बराबर अ हो जाता है। अब इसे जैसे वन धन औषधि बराबर वन औषधि, आठ धन औ बराबर औ, देव धन औदार्य देवाओ देवौदार्य। अब इसमें देखेंगे, देव का है औदार्य में अब है तो मिलाएंगे तो हो जाता है। अगला उदाहरण देखो, महाधन औषधि बहुपति, महावीर महावीर आ है ब्रह्मचक्र, महावीर आ है औषधि में ओ है बराबर अ हो गया है बराबर औ। पर धन ओ कहता है पर औ कहता है, पर में आ है औ में ओ है बराबर अ हो गया। लाज उदाहरण देखें, पुष्प धन होता है पुष्प औ का है, पुष्प में आ है ओ का है ओ है मिलाने हो जाएगा। गंगा धन ओ है बराबर गंगा है, अब गंगा में आ है और ओखर में ओ है बराबर अ हो गया। तो प्रिय बच्चों, ये वृद्ध संधि के सूत्र और नियम है, इस प्रकार से आपको बराबर जानते हैं।